में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश पाटवड़ी रसा बनाना सिखाते हैं। ये तो हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डिश पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो हम सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रखकर और उसमें जो है 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 तेज पत्ता, 1 खड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ग्रीन वाली, 2 पीस जो है लौंग के और 1 जावित्री का इतना बड़ा टुकड़ा है, 2 टुकड़े ऐसे डालते हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे छोटे और 8-10 काली मिर्च जो है वो हम इसमें डालते हैं। फिर उसको अच्छा सा भून देते हैं हल्का सा। तो हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज लेते हैं और इसको डालते हैं, 8-10 लहसुन की कड़ियां हैं जो हम इसको डालते हैं और फिर इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच जो है बेसन के डालेंगे और फिर उसको भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से बेसन को सेकते हैं जिससे जो है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हमने एक मिक्सर डाल लिया और उसमें ये अपने सारे मसाले जो है डाल देते हैं। इस जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद जो है इसको ग्राइंड कर देंगे। ये हमारा एकदम बारीक देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम एक छोटा मिक्सर जार लेते हैं और उसमें हम 3 हरी मिर्ची और 2 टुकड़े अदरक के ये डाल करके पीसते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह हमारा पीस जाता है ये अदरक और हरी मिर्ची। फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल लेते हैं। इस बाउल में हम 1 कप ये बेसन डालते हैं, 1 और कप ये बेसन डालते हैं। ये टोटल हमारा 2 कप बेसन है और इसमें हम पानी मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं। 1.5 गिलास जितना पानी इसमें जाएगा। अब हमने जो इसमें हरी मिर्ची पीसी थी वो हम डाल देते हैं। 1/2 चम्मच जितना जो है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालकर इसमें हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस ऑन करके और ये अपना जो है बैटर जो है इसमें डालते हैं। चलाते रहते हैं अच्छे से जैसे इसमें लम्स नहीं बने और नीचे लगे नहीं। ये देखिए हमारा बैटर थिक हो रहा है अभी। ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार हो गया है अभी। तो चेक करने के लिए आप ऐसे करके रखेंगे ना तो नीचे से एक बबल जैसा निकलता है, पता चलता है हमें कि हमारा ये अच्छे से बेसन तैयार हो चुका है अभी। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं। अब हमें एक छोटी साइज़ की थाली लिया है और इसके ऊपर हल्का सा जो है 2 ड्रॉप्स जितना जो है ऑयल डाला। अब इसके ऊपर हम अपने बेसन को यहाँ इसके ऊपर रखते हैं। हल्का सा जो है ऑयल लगा के हाथ पे इस
इसको हम गरम गरम ही इस तरह फैला देते हैं पूरी थाली के ऊपर। फैला करके अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। अभी हम गैस ऑन करते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं 2 से 3 चम्मच जितना। इस ऑयल हमारा गर्म हो गया तो हल्का सा जीरा डालते हैं। जीरा हो जाता है तो फिर हमने जो मसाला बनाया था गरम उसको हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, ये काश्मीरी मिर्ची है, तीखी नहीं होगी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और 1 चम्मच जितना नमक। हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने गरम मसाला ऑलरेडी इसमें पीस के रखा है। भूनते हैं जब तक ये अच्छे से तेल चारों तरफ से छोड़ नहीं देता। अब हम इसमें ये 1 ग्लास तक पानी डालेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी पतली ही होती है। अब इसको हम पकने देते हैं। इस पर हम हल्का सा नारियल पाउडर डालेंगे। और हरी धनिया की पत्ती, पीसेस करते हैं। और इसको ऐसे घुमा करके इसके डायमंड शेप के जो है पीसेस कर देते हैं। ये लिए अभी हम इसके आपको पीसेस दिखाते हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे पीसेस हो गए हैं। ये जी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, बॉयल हो रही है अच्छे से। गैस को बंद कर देते हैं और एक बाउल में ले लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली। अब हमारी पाटुड़ी की सब्जी रेडी है पूरी तरह से। अभी पीसेस को ग्रेवी के अंदर डाल करके और आप रोटी और राइस के साथ में खा सकते हैं।